नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पार्ट ऑफ अनअकैडमी पे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन जो टॉपिक है रेसिस्टर कलर कोड्स। बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 8-10 साल का क्वेश्चन देखिएगा तो 2-3 बार क्वेश्चन आए रेसिस्टर कलर कोड्स पे। अब क्या होता है, रेसिस्टर जो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, और आपका जो रेजिस्टर होता है उसका शेप कुछ ऐसा होता है, इस तरह का रेजिस्टर होता है जो मार्केट में मिलता है। अब आपको बताना अगर है कि रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है तो उस पर लिखा हुआ नहीं रहता, उसकी कलर कोडिंग की हुई रहती है। जैसे यहां पे देखिए ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है और गोल्ड कलर का है, तो उसमें कलर कोडिंग की हुई रहती है। अब आपको इस कलर कोड को देख के बताना है कि उस रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो इस कलर कोड को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, क्या कहते हैं, नीट के एग्जाम में भी बहुत काम का आता है, कलर कोडिंग आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए, अगर जो लोग 12th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कलर कोड क्या है, कैसे करेंगे। देखिए ये जो कुछ सीरीज है कलर की, कौन कौन सा कलर आता है ये ध्यान से देखिएगा। देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, ठीक है। ये यहां से यहां तक कलर है। अब इसको आप अगर अब याद करना है तो देखिए यहां पे नंबर लिखा हुआ है, यहां पे मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, यहां पे टॉलरेंस लिखा हुआ है। नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नंबर क्या होता है, नंबर मतलब यहां से स्टार्ट कीजिए, 0 से लेकर स्टार्ट कीजिए, 9 तक जाइए, 0 से लेकर स्टार्ट कीजिए, कहां तक जाइए, 9 तक जाइए, यहां पे 10^0 से स्टार्ट कीजिए और कहां तक जाइए, 9 तक जाइए, फिर -1 और -2 पे चले जाइए, और टॉलरेंस में क्या करिए, 5, 10 और 20। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। याद करने का ट्रिक मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे याद कर ले इसको बहुत आसानी से, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर की। देखिए जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, ये देखो पहला बैंड जो होता है ये नंबर बताता है, पहला बैंड जो होता है क्या बताता है, ये नंबर बताता है। जैसे कि यहां पे ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर के आगे नंबर क्या है, 1 है, तो ये पहला नंबर के आगे हम क्या लिख देंगे, पहले नंबर के आगे हम क्या लिख देंगे बच्चों, ध्यान से देखना, पहले नंबर के आगे हम लिख दिए 1, कितना लिख दिए 1। अब देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा ये आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, पीछे जाओ ब्लैक कलर के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, 0 नंबर लिखा हुआ, तो दूसरे के आगे हम लोग लिख दिए 0। ये जो पहला डिजिट है और दूसरा डिजिट, ये दोनों नंबर बताता है, ये दोनों क्या बताता है, नंबर बताता है। सॉरी, पहला बैंड फर्स्ट डिजिट बताएगा, पहला बैंड पहला डिजिट और दूसरा बैंड दूसरा डिजिट बताता है, ये सब डिजिट बताते हैं, क्या बताएंगे, ये सब डिजिट बताएंगे, ये दोनों डिजिट बताएगा। तो कितना हो गया, 1 और 10। तीसरा जो है मल्टीप्लायर बताएगा, तीसरा क्या बताएगा, मल्टीप्लायर। तीसरा कलर कौन सा है, रेड कलर है, पीछे चले जाएंगे रेड के आगे देखेंगे क्या है, 2 है, मल्टीप्लायर मतलब 10^2। तो तीसरा जो है आपका ये बताएगा आपका 10^2, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके डिजिट। अब चौथा जो है ये टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस कुछ वैरी कर सकता है, तो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा वैरी कर सकता है, 5% 10% वैरी कर सकता है, जो आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा, ठीक है, टॉलरेंस जो मतलब आगे पीछे वैरी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे गोल्ड कलर है, यहां पे देखो गोल्ड कलर के आगे टॉलरेंस कितना लिखा हुआ है, 5%, तो यहां पे टॉलरेंस कितना हो जाएगा, ये टॉलरेंस हो गया 5%। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखना, पहला और दूसरा तो नंबर बताएगा तो ये हो गया तुम्हारा 10, तीसरा मल्टीप्लायर बताएगा तो ये हो गया तुम्हारा 10^2। अब ये हो गया तुम्हारा ओम में रेसिस्टेंस हो गया, अब प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, 5%, टॉलरेंस कितना है, 5%, तो यहां पे ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो याद करने का ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए यहां पे देखिए बी बी रॉय एक नाम हो गया, बी बी रॉय, ठीक है, इन ग्रेट ब्रिटेन, जीबी मतलब जी फॉर ग्रेट, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो आप देखिए बी से पहला बी से ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, रॉय से आर से हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, ग्रेट में जी से हो गया ग्रीन, बी से हो गया ब्लू, वी से हो गया वॉयलेट, जी से हो गया ग्रे, डब्ल्यू से हो गया तुम्हारा वाइफ से हो गया क्या, व्हाइट। अब वेरी गुड वाइफ को क्या चाहिए होता है, सोना और चांदी, सोना मतलब क्या हो गया गोल्ड और चांदी मतलब क्या हो गया सिल्वर। तो ये तरीका है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड वॉन्ट्स क्या, सोना एंड चांदी, ठीक है। तो आप ये वाला सीरीज अगर याद रखते हैं तो कलर सारा याद हो जाएगा, कलर सारा याद हो जाएगा, तो 0 से लेके यहां पे नंबर डाल दीजिए और मल्टीप्लायर भी उसी फॉर्म में डाल दीजिए, तो आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन है, देखिए रेड है, रेड का क्या था, ध्यान से देखना, रेड का क्या था, यहां पे ध्यान से देखिए, रेड का है 2, रेड का है कितना 2, तो यहां पे रेड का है तुम्हारा 2, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहां पे 22 तो आपको मिल गया। तीसरा क्या है, मल्टीप्लायर, तीसरा मतलब 10^2 देगा, तो 10^2 मिल गया। अब प्लस माइनस सिल्वर है, सिल्वर का देखो, सिल्वर का देखना ध्यान से क्या है,
सिल्वर का देखिएगा क्या है, सिल्वर के आगे देखिएगा 10% है, तो यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो 10% आ जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। तो आप सिंपल सा ट्रिक है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वांट्स सोना एंड चांदी, ठीक है। तो ये आप ट्रिक है, चलिए फिर इसी तरह के ट्रिक्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।